দেখছেন বাংলাল্যান্ড নিউজ। আমরা সত্যি চাপি না, সত্যি ছাপি। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स। मणिपुर गई है जो इंडिया ऑपोजिशन की टीम है 20 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्या कहना चाहिए? मैं पश्चिम बंगाल के कोलकाता में यही कहना चाहता हूं कि अगर पिछले जो पंचायती राज के चुनाव हुए वो एक हत्या का दौर जो पश्चिम बंगाल में चला, 57 से ज़्यादा लोगों की हत्याएं कर दी गई और हत्या के रास्ते सत्ता कैसे अपनाई जाती है उसका एक खेल पश्चिम बंगाल में खेला गया। लेकिन ममता बनर्जी जी, आपके मंसूबे कि आप ज़्यादा सीटें जीत पाएं, आपके नाक के तले लोगों की हत्याएं की गई, आपकी कानून व्यवस्था चरमरा गई, आपके निर्देशों पर आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गुंडागर्दी की और पिछले 8-9 वर्षों में जिस तरह से आपने गुंडों को संरक्षण देने का काम पश्चिम बंगाल में किया है, अपराधियों को संरक्षण देने का काम पश्चिम बंगाल में किया है, वो केवल अपना राजनीतिक लाभ लेने के लिए ममता बनर्जी जी ने किया है और पिछले चुनाव में देखने को मिला। लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता ने मुँह तोड़ जवाब दिया। पिछली बार के मुकाबले दुगने से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती, ये दिखाता है कि ममता बनर्जी जी का समय आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने जा रहा है। इनके अपराधियों को जितना मर्जी संरक्षण दे लें, जितने मर्जी हत्याएं करवा लें, जितने मर्जी बम फोड़ लें, लेकिन बैलेट पर कमल ही खिलता है, भारतीय जनता पार्टी को ही समर्थन मिलता है। और जो लोग आज मणिपुर जाने का ढोंग कर रहे हैं, मैंने उनसे आग्रह कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया था कि पश्चिम बंगाल की महिलाओं के साथ जो आपराधिक घटनाएं हुई, उनकी जो हत्याएं हुई, चुनावों में जिन लोगों को मारा गया, जिन लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को गंवाया, क्या कांग्रेस और विपक्षी दलों के लोग पश्चिम बंगाल आएंगे? मेरा सवाल है, पश्चिम बंगाल के कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में उनके नेता से, क्या अपने राज्यों में इस गठबंधन के बाकी 19 सदस्यों को लाएंगे? क्या करेंगे कांग्रेस के नेता? मैं पूछना चाहता हूं, मेरा सवाल है उनसे, जो बड़ी शान के साथ मणिपुर की ओर जहाज में बैठकर गए हैं, कांग्रेस के लोकसभा के नेता से मैं पूछना चाहता हूं, क्या 19 सदस्यों को मणिपुर के बाद कलकत्ता लाएंगे? पश्चिम बंगाल में जिन लोगों की हत्याएं हुई उनके घरों में जाएंगे? जिन लोगों के ऊपर अत्याचार किया गया कि उनके पास जाएंगे? मेरा सवाल है कांग्रेस के नेताओं से और विपक्षी दल के नेताओं से, क्या राजस्थान में प्रतिदिन महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है, गैंग रेप किए जाते हैं, क्या कांग्रेस को राजस्थान और बंगाल की महिलाओं में उनकी और कोई सहानुभूति नहीं है? मुख्यमंत्री के राजस्थान के घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर एक महिला के साथ उसके बेटे के सामने उसका दुष्कर्म किया जाता है। मुख्यमंत्री के अपने गृह जिला जोधपुर में 3 लोगों को जिंदा जला दिया जाता है। कहीं पर पति के सामने पत्नी के साथ बलात्कार किया जाता है, उसको हत्या पर मजबूर होना पड़ता है। ये सारी घटनाएं राजस्थान की हैं, तो पश्चिम बंगाल और राजस्थान इंतज़ार कर रहे हैं इन 20 सदस्यों का, जो मणिपुर तो गए, संसद तो ये चलने नहीं देते। अगर संसद आपने चलने नहीं देनी, संसद में आपने आना नहीं, तो मणिपुर के बाद आप बंगाल जरूर आए और बंगाल के बाद राजस्थान जरूर जाएं। मेरा इतना ही अनुरोध i.n.d.i.a, ये जो एक प्लेटफॉर्म बना है, मैं फिर रिपीट करता हूँ, i.n.d.i.a, ये जो एक विपक्ष का गठबंधन बना है, मेरा इनसे अनुरोध है कि आप आइए,
पश्चिम बंगाल में हो रही हत्याएं, पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की चरमराती हुई स्थिति और पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध, जो एक महिला मुख्यमंत्री के नाक के तले हो रहा है, उसको लेकर भी आइए। आप लोगों को पता है पश्चिम बंगाल से कांग्रेस का सांसद कौन है? पता है कि नहीं पता है? कौन है? अधीर रंजन चौधरी जी। तो अधीर रंजन चौधरी जी, ये जो आप i.n.d.i के कुछ सहयोगी सदस्यों को लेकर गए हैं मणिपुर से वापसी में, पश्चिम बंगाल जरूर आइए, क्योंकि पश्चिम बंगाल i.n.d.i.a इनके लोगों का इंतज़ार कर रहा है। और ऐसे राजस्थान की महिलाएं भी कांग्रेस की ओर देख रही कि उनकी सरकार में ही, अशोक गहलोत जी की सरकार में महिलाओं के खिलाफ बढ़ता अपराध और हत्याएं भी इस i.n.d.i.a के गठबंधन के सदस्यों का इंतज़ार करेगा। थैंक यू सर।